अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू जायका कानपुरी। तो कैसे हैं आप सब? आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं, जब हम देसी घी बनाते हैं तो उसका खुरचन बचता है ना, उसकी मिठाई बनाएंगे। और ये मिठाई अगर इसका टेस्ट से कंपेयर किया जाए तो बिल्कुल ये मिल्क केक की तरह टेस्ट में लगता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने जो वेस्ट चीज़ है उससे इतनी अच्छी मिठाई बना करके तैयार की है, क्योंकि जब खुरचन वो बचता है तो हम किसी भी यूज़ में उसे नहीं लेते हैं, तो उस खुरचन से ही हम आपको मिठाई बना करके बताएंगे। तो वो भी इतनी टेस्टी मिठाई बन करके तैयार होगी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इस मिठाई को। बाजार जैसी महंगी मिठाई आप घर पर फ्री में बना लेंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर चलें रेसिपी स्टार्ट। तो ये देखिए, ये हमारे पास खुरचन है, ये आधा किलो से भी ज़्यादा खुरचन है। और इस खुरचन का कलर देखें आप, ज़्यादा डार्क नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ 10 दिन की इकट्ठा की हुई मलाई से मम्मी ने घी बनाया था और फिर मैंने इसको इस्तेमाल में ले लिया है। ये आधा किलो है, 1 किलो घी बन करके तैयार हुआ था, आधा किलो खुरचन निकली। इसका टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल भी करछा नहीं रहा है, क्योंकि कई दिन की जब मलाई हो जाती है तो वो करछाने जैसा लगता है, और इसीलिए हमने 10 दिन की मलाई से ही घी बना लिया। उसके बाद इसे ज़्यादा नहीं जलाया क्योंकि हमें इसकी मिठाई बनानी थी। इस बात का ध्यान रखें आप कि इसको पहले चख लें कि ये करछा तो नहीं रहा है, तभी आप मिठाई बनाएं। अगर करछा रहा हो, इसका मतलब ज़्यादा दिन की हो गई है मलाई, तो उससे आप मिठाई मत बनाएं, वरना आपके जो इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड होंगे ना, वो भी ख़राब हो जाएंगे। तो फिर इसे हम साइड में रख देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने अपने बर्तन को गर्म कर लिया है बहुत अच्छे से। अब हम इसमें बेसन को भून लेंगे। देखिए, बेसन को हम अच्छे से यहाँ पर भून लेंगे इस तरह से। बेसन को हम रूखा ही भून रहे हैं क्योंकि हमारा जो खुरचन है, जिसमें बहुत सारा घी है, इस वजह से हम बेसन को रूखा भून रहे हैं, वरना पूरे में घी घी हो जाएगा अगर हमने इसको बेसन को घी में भून लिया। बेसन की क्वांटिटी देखें तो हमने यहाँ पर 50 ग्राम बेसन लिया है। तो यहाँ पर देखिए, बेसन बहुत अच्छे से भून चुका है, इसे हम निकाल करके रखेंगे एक प्लेट में। बेसन को हमने एक प्लेट में पलट लिया है। यहाँ पर हमारे पास ये देखिए, ये जो खुरचन है इसे हम पलट लेंगे इस तरह से। तो ये बर्तन से निकल करके कढ़ाई में आसानी से आ गया है और अच्छे से भुन रहा है। हम डाल देंगे बेसन, 5 मिनट तक बेसन के साथ भून लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे दूध। ये दूध हमने आधा लीटर लिया है। तो ये देखिए, इसमें से मिल्क ड्राई होने लग गया है। इसको हम प्रॉपर ड्राई कर लेंगे बहुत अच्छे से, इस तरह से हम चलाते जा रहे हैं। तो इस खुरचन में जब हमने दूध ऐड किया था, 6 से 7 मिनट लग गए हैं ड्राई होने में। तो देखिए, इसका मिल्क धीरे धीरे ड्राई होने लग गया है। अब हम डाल देंगे इसमें 1 कप चीनी। मिल्क ड्राई होने पर ही हमें चीनी ऐड करनी है, जब मिल्क ड्राई हो जाएगा। इस तरह से अब मिलाना शुरू करेंगे हम जल्दी जल्दी से, ताकि जल ना पाए। देखिए इस तरह से। तो इस रेसिपी में आपको भुनाई के लिए हाथ ज़्यादा चलाने होते हैं, इसलिए हाथ थोड़े से दुखने लगते हैं। हमारे हाथों की अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है इस रेसिपी को बनाने के बाद। लेकिन जब हमारी मिठाई बन करके तैयार होती है तो हम सारी मेहनत भूल जाते हैं, इतना ज़बरदस्त टेस्ट होता है इस मिठाई का। और हमें यहाँ पर हाथ चलाना होता है बार बार, इसलिए ताकि ये बर्तन से लग ना जाए और इसका टेस्ट ख़राब ना हो जाए, बस इसीलिए हमें बार बार इसे चलाना होता है। ये देखिए किस तरह से शक्कर जमने लगी है, शक्कर की वजह से ये कलर भी चेंज करने लगा है अपना। ये देखिए इस तरह से हम, तो हमारी लगभग मिठाई तैयार हो चुकी है। देखिए इस तरह से जब हम चला रहे हैं तो अच्छे से वजन आ गया है हमारी मिठाई में, शक्कर का पानी भी ड्राई हो गया है। ये देखिए इस तरह से हमने इसकी जितनी भी शुगर थी सब ड्राई कर ली है। ये बिल्कुल इस तरह से देखिए कलर चेंज कर चुका है। बेसन ऐड करने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, एक सौंधापन आता है। अगर आपको बेसन ना पसंद हो तो आप कोकोनट पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से सेट हो चुका है, ये देखिए। तो ये देखिए, गैस स्टोव बंद कर देंगे, ये बहुत अच्छे से बन करके तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर मेरे पास एक इस तरह का छिछला बर्तन है ताकि इसमें पतले पतले पीस बने। इसमें हम घी लगा लेंगे इस तरह से, ये देखिए। तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ये टेक्सचर आया है इसका। देखिए आप चाहें इस मिठाई में तो आधा चम्मच हरी इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, उससे खुशबू अच्छी आएगी, लेकिन इसकी अपनी खुशबू होती है इसलिए हमने नहीं ऐड किया। चाकू की हेल्प से हम साफ कर लेंगे।
अब हम हाथों में घी लगाकर इस तरह से बराबर कर देंगे, जिस तरह से हम शबरात का हलवा बनाते हैं। इसे थोड़ी देर फ्रिज में रख देंगे इस तरह से टैप करने के बाद, ताकि ये सेट हो जाए। तो आधे घंटे के लिए हमने इसे फ्रिज में रख दिया था, ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसके पीस बना लेंगे। तो इस मिठाई में आप अपने पसंद से शेप कट कीजिएगा। आप चाहें तो डायमंड शेप बना सकते हैं, या जिस तरह से हलवा बनता है उस शेप में बना सकते हैं। हम यहाँ पर बर्फ़ी वाला शेप देंगे इस मिठाई को। बर्फ़ी वाला शेप बिल्कुल सिंपल है, इसलिए हम बर्फ़ी वाला शेप बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से कट करते जा रहे हैं हम, और ये फ्रिज में रखने के बाद अच्छे से सेट भी हो चुका है, तो इसके पीस कट करने में बहुत ही आसानी हो रही है हमें। तो बहुत ही सॉफ्ट मिठाई बन करके हमारी रेडी हो गई है। इसे अब हम निकाल करके रख लेंगे एक बर्तन में। इस तरह का बर्तन हमने ले लिया है, एक एक पीस हम अपने बर्तन में निकाल करके रखते जाएंगे। आप चाहें तो ऊपर से गार्निशिंग कर सकते हैं ड्राई फ्रूट की। तो देखिए हमारा यहाँ पर कितना फ़ायदा हुआ। हमने सबसे पहले दूध लिया, उसमें से मलाई निकाल करके रखी, मलाई को अपनी रेसिपीज़ में ऐड किया, बचे हुए दूध से हमने चाय बनाई, और फिर मलाई से हमने घी बनाया। घी बनाने के बाद देखिए ये खुरचन बचा, इस खुरचन से भी हमने मिठाई बना करके तैयार कर ली। तो हमारा कितना फ़ायदा हो गया। तो इस मिठाई को हमने गार्निश कर दिया है बादाम से, ताकि दिखने में अच्छी लगने लगे। तो मेरे कहने से एक बार बनाकर ज़रूर देखें, यकीन जाने ये इतनी ज़बरदस्त मिठाई बन करके तैयार होती है कि आपको इसको खाने के बाद कोई और मिठाई नहीं अच्छी लगेगी। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को फैमिली और फ्रेंड में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।